हेलो, मैं हूँ एप्रन गर्ल और आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी एंड मीटबॉल्स। सबसे पहले हम 250 ग्राम चिकन का कीमा लेते हैं और उसमें आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं। अब हम दो स्लाइस ब्रेड लेंगे, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन या व्हाइट, और उसका चूरा बना लेंगे। अब हम अपने आधे ब्रेड क्रम्स को चिकन में मिला लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच ऑरिगैनो का डालते हैं, एक अंडा, एक तिहाई छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक तिहाई चम्मच स्मोक पैप्रिका या कश्मीरी मिर्च, एक तिहाई चम्मच लहसुन का पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब बचे हुए ब्रेड क्रम्स भी मिला लेते हैं। अब शुरू करते हैं मीटबॉल्स बनाना। सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेते हैं, इससे कीमे का मिक्सचर हाथों में चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेते हैं, और इसे बीच में से दबा के इसमें चीज भर लेते हैं, और फिर इसे बॉल जैसा गोल कर लेते हैं। अगर शुरू में एकदम परफेक्ट गोल बॉल्स ना बने तो चिंता मत कीजिएगा, ये टूटेंगी नहीं। अंडा और ब्रेड क्रम्स इन्हें बांधे रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि मीटबॉल्स का आकार बहुत छोटा ना हो, अराउंड टेबल टेनिस की बॉल जितना। अब इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल डालते हैं और उसमें मीटबॉल डालकर उन्हें हल्की आंच पर सेक लेते हैं। ऑलिव ऑयल के बिना ज्यादातर इटालियन खाना अधूरा है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे लिए देसी घी और सरसों के तेल के बिना खाना अधूरा है। वैसे स्पेगेटी एंड मीटबॉल्स एक इटालियन डिश है या अमेरिकन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी ये बात जरूरी है कि मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह के ऑलिव ऑयल्स मिलेंगे। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप किसी भी तरह का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटबॉल्स को हल्का सुनहरा होने तक सेकिए और फिर इन्हें अलग रख दीजिए। अब स्पेगेटी की बारी। एक बड़े बर्तन में 1.5 लीटर पानी को उबाल लेते हैं, उसमें एक बड़ा चम्मच नमक और थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं और उबलने देते हैं। अब इसमें करीब 200 ग्राम स्पेगेटी डालकर उबाल लेते हैं। स्पेगेटी और नूडल में फर्क पता है आपको? सबसे बड़ा फर्क कि दोनों अलग अलग चीजों से बनते हैं। जहां नूडल्स में अधिकतर सिर्फ मैदा इस्तेमाल होता है, स्पेगेटी ड्यूरम वीट से बनती है, कुछ कुछ हमारी सूजी की तरह। नूडल्स मेनली एक चाइनीज डिश है और इनका जन्म वहीं हुआ था। स्पेगेटी वैसे तो इटालियन होती है, पर ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत पहले शायद कुछ चाइनीज व्यापारी इटली गए होंगे और उनके नूडल से प्रभावित होकर शायद स्पेगेटी बनी होगी, है ना मजेदार बात? 10 मिनट तक स्पेगेटी को उबालने के बाद उसे छलनी से छान लें और उसका पानी अलग कर दें। अब तैयारी करते हैं मीटबॉल्स के सॉस की। 2 प्याज और कोई लहसुन की 10 से 12 कलियां लेकर उन्हें पीस लेते हैं। 2 टमाटर भी अलग से पीस लेते हैं। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल लेते हैं, उसमें प्याज लहसुन का मिक्सचर डालते हैं, इसे धीमी आंच पर हल्का सुनहरा भून लेते हैं। इसमें पिसा हुआ टमाटर डालते हैं, टोमेटो प्यूरी तकरीबन 1 कप, और डालते हैं नमक 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, ब्राउन शुगर या नॉर्मल चीनी 1/4 चम्मच, ऑरिगैनो,
स्मोक पैप्रिका या कश्मीरी मिर्च और फ्रेश पैप्रिका यानी मोटी लाल मिर्च और बेजल की कुछ पत्तियां। करीब एक कप पानी डाल के इसे थोड़ा पका लेते हैं। अब इस सॉस में मीटबॉल्स डालते हैं और उन्हें धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देते हैं। इससे हमारे मीटबॉल्स अच्छी तरह से पक जाएंगे और उनके अंदर की चीज भी मेल्ट हो जाएगी। पंद्रह मिनट हो गए हैं और मीटबॉल्स अच्छी तरह से पक गई हैं। ऊपर से चीज डालकर इसे थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अब स्पगेटी को एक पैन में डालकर ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा टॉस कर लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी ना कि ये स्पगेटी मीटबॉल्स इटालियन है या अमेरिकन, तो इसके पीछे भी एक इतिहास है। इटली में स्पगेटी अलग और मीटबॉल्स अलग डिश होती थी। 19th सेंचुरी में जब इटालियन इमिग्रेंट्स अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने खाने की कॉस्ट कम करने के लिए इन दोनों डिशेस को मिला दिया, तो इसे हम अमेरिका में पैदा हुई इटालियन डिश कह सकते हैं। इसमें थोड़ी कटी हुई बेजिल लीव्स डालते हैं। कई लोग स्पगेटी को सीधे भी सॉस और मीटबॉल्स में मिला लेते हैं, पर ऑलिव ऑयल और बेजिल लीव्स के साथ चलाने से स्पगेटी में अपना भी एक भीना भीना स्वाद आ जाता है। बस अब सब कुछ तैयार है। सुंदर सी प्लेट में इन्हें सर्व कीजिए और खाइए। रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए और अगर कुछ डाउट्स हो तो वो भी। ऐसी बहुत सारी मजेदार रेसिपीज और बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।